और अच्छा किया कि आप आ गए। मुझे तो आना ही था ना, तुम्हारी चोट कैसी है और अभी भी दर्द है? नहीं अब बेहतर हो। आगे 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 आगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है आनी? आनी वो आप अजलान की आनी ना, तो हमारी भी आनी है। वैसे उम्र में आप बहुत छोटी लगती है, सिर्फ बाजी लगती है, बहुत प्यारी है आप। आनी ये है जामी और ये है शामी। हम ना बहुत बड़े सिंगर हैं, मेहंदी माइयो निका वलीमा सब में गाने गाते हैं। दो तीन तो हमने मैयतें भी निपटाई है। ए बस। हाँ, लेकिन इस वक्त हम अजलान के दोस्त कुक और गार्ड हैं। क्यों भाई? अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अरे सिकंदर चाचू क्या बात है, सब ठीक तो है? नहीं, परेशान लग रहे हैं मुझे थोड़ा बहुत। नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जामी सिकंदर चाचू के लिए चाय बनाओ। नहीं वो एक्चुअली वो मुझे घर में कुछ काम है तो मैं आता रहूंगा, अपना ही घर है। वकीबा बिल्कुल थैंक यू, आपने मेरी आनी को ड्रॉप किया। नहीं इसमें वो एक्चुअली आपका बैग। ठीक मैं आता हूँ। ओके शामी जी ये आनी का बैग ले जाओ उनके रूम में। आनी आप अपने रूम में चले, मैं आता हूँ। आ जा। जी अस्सलाम वालेकुम मामू। पुत्र जी इस बात पे फिटे मुंह है आपका। ओए आपने सुलह सफाई की बात करके हमारे नस्लों के नाम पे बट्टा ही मार दिया, वो भी चिकड़ वाला। मामू आप बात को समझ क्यों नहीं रहे, यहाँ पे इतनी सारी जगहें हैं, कहीं भी प्लॉट ले सकते हैं हम। ना मुझे ये बता और वो कोई और दूसरा प्लॉट क्यों नहीं ले लेते? नहीं मामू क्या हो गया आपको, मुझे झगड़े में मरवाना चाहते हैं क्या? पुत्र जी ये आप हमेशा अपने आप को ही मरावा क्यों देखते हैं, उनको मारने के बारे में क्यों नहीं सोचते? और जवान बने मर्द बने और शर्मिंदा ना कराए मुझे। चौई साहब कैसी लग रही हूँ मैं? जैसी असल में है ना उससे कहीं ज्यादा कोजी कटीट हुनर आम। अब ना पूछना ये ना, मैंने तफसील से रोशनी डाली और आप गिश खा के गिर गए। मेरे तक तो गुस्सा का डंडे हो आप। पुत्र बात सुन, और मैं तुझे ना पैसे भेज रहा हूँ, फिक्र नहीं करनी पैसे की। अल्लाह खिलाफ प्रॉपर्टी डीलर वाले को है, और अपने लिए ना 6-7 गार्ड भी रख ले। हाँ लेकिन मामू। बस जी पुत्र जी इससे ज्यादा बुजली की बातें नहीं करनी। ओए आपका ताल्लुक पहलवानों के नामी ग्रामी खानदान से है, ओए अपनी सोई भी गैरत को पानी के छट्टे मारो, जगाओ उसको कहो उठो। बाद में बात करता हूँ, खुदा हाफिज। इनकी भी समझ में नहीं आती मुझे ये अजलान का गुस्सा मेरे पे क्यों निकालते रहते हैं। तो फिर और किस पे कडूं, कौन है यहाँ? इथे टंग दियो ना दे नाल मेनू भी बिस्ती कर दे रहे। और बेले जे तुम्हारे इतने प्यारे प्यारे सींग होते ना तो कब का टांग चुका होता। ओए होए टांग दे हो, आ जाएंगी मेरे उस सींग भी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले। जान छड़ो मेरी। या खुदाया कहां फंस गया हूं मैं, इसे कहते हैं आसमान से गिरा और खजूर में अटका। मेरा भी क्या नसीब है ना यार। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कौन? वाओ मेरा मतलब है माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर, कहीं जा रहे हैं क्या? वो कहाँ है? वो कौन? मैं तो यहाँ हूँ। तुम्हारी आनी। अच्छा तो ये सारी तैयारी आनी के लिए हुई है, ठीक है भाई ठीक है। वैसे शर्माते हुए बड़ी क्यूट लगती हो, लेकिन ये तो बताएं शर्मा क्यों रही है? एक्टिंग कर रही हूँ, समझा करो ना, करना पड़ता है। और सुनो मैंने पापा को बताया तुम्हारी आने के बारे में, वो उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है, कहते डिनर पे भी इनवाइट करेंगे। तेरा गर्क हो अमल, क्या जरूरत थी पापा को आने के बारे में बताने की? अरे हर बात का ऐलान ही किया जाता है यार। हाँ तो इसमें छुपाने वाली भी क्या बात है, तुम्हारी आनी पर्दा करती है क्या? पर्दा पर्दा करती है ना, बड़ा सख्त पर्दा करती है आनी।
किसी के सामने नहीं आती। हाँ तो चलो औरतों के सामने तो आती होंगी ना, किधर है मैं उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आपने मिलना है उनसे? वो अंदर है, मैं बुला के आता हूँ। इनसे नहीं पर्दा करती? तो बच्चा हूँ, मासूम हूँ, हमारे तो आनी है, हमसे नहीं करती। अच्छा सुनो, तुमने अपनी आनी को मेरे बारे में बताया ना, पता नहीं वो मुझसे मिलने के लिए एक्साइटेड होंगी या नहीं। मैं उनको पसंद तो आ जाऊंगी ना। आप कोई चीज है जिसको ना अगर मैं उन्हें अच्छी ना लगी तो क्या करोगे? अरे यार तुम कैसे नहीं अच्छी लगो,